मनीष सिसोदिया ने जेल से लिखी भावुक चिट्ठी। नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। सिसोदिया ने चिट्ठी में लिखा कि मुझे पिछले एक साल से सबकी याद आई है, हम जल्द ही बाहर मिलेंगे। आपको बता दें, मनीष सिसोदिया ने तिहाड़ जेल से अपनी विधानसभा सीट पटपड़गंज के लोगों को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि मुझे पिछले एक साल से सबकी याद आ रही है, हम जल्द ही बाहर मिलेंगे। वहीं सिसोदिया ने चिट्ठी में सीएम अरविंद केजरीवाल की तारीफ भी की। सिसोदिया ने लिखा कि मुझे खुशी है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली की शिक्षा क्रांति आई, हमने बहुत ईमानदारी से मिलकर काम किया है। सिसोदिया ने अपनी चिट्ठी के जरिए केंद्र सरकार पर भी निशाना साध दिया। सिसोदिया ने लिखा कि जैसे आज़ादी के वक्त अंग्रेजों के खिलाफ सबने लड़ाई लड़ी, वैसे ही हम अच्छी शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मनीष सिसोदिया आगे लिखते हैं, जल्द ही बाहर मिलेंगे, शिक्षा क्रांति जिंदाबाद, लव यू ऑल। अंग्रेजों की तानाशाही के बाद भी आज़ादी का सपना सच हुआ, वैसे ही एक दिन हर बच्चे को सही और अच्छी शिक्षा मिलेगी। अंग्रेजों को भी अपनी सत्ता का बहुत घमंड था, अंग्रेज भी झूठे आरोप लगाकर लोगों को जेल में बंद करते थे। अंग्रेजों ने कई सालों तक गांधी को जेल में रखा, अंग्रेजों ने नेल्सन मंडेला को भी जेल में डाला। ये लोग मेरी प्रेरणा है और आप सब मेरी ताकत। सिसोदिया आगे लिखते हैं, विकसित देश होने के लिए अच्छी शिक्षा स्कूल का होना जरूरी है। मुझे खुशी है अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली की शिक्षा में क्रांति आई है, अब पंजाब शिक्षा क्रांति की खबर पढ़कर सुकून मिलता है। जेल में रहकर मेरा प्यार आप लोगों के लिए और बढ़ा है, मेरी पत्नी का आप लोगों ने बहुत ध्यान रखा, सीमा आपकी सबकी बात मानते हुए भावुक हो जाती है, आप सब अपना ख्याल रखिए। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे, धन्यवाद।